जंगल राज 3 जो अब स्थापित हुए तेजस्वी और नीतीश जी के शासनकाल में, कि रोज यहाँ हत्या, अपहरण, डकैती, माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुँच रही, गांव गांव सर सर पहुँच रही है। उनको पता ही नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है। अगर उनको समझ में बात होती तो ऐसा वो बोलते ही नहीं। अब वो वहाँ ऑल इज वेल है कि नहीं है तो उनका विषय है, लेकिन NDA में ऑल इज वेल है। कुर्सी की लोलुपता में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, और यहाँ अपराधियों को संरक्षण देकर पूरे बिहार में भय का वातावरण खड़ा कर रहे हैं। नीतीश जी ने कहा है कि जिस तरीके से जो काम हो रहा है ऑल इज वेल है और सीट शेयरिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो लगता नहीं कि ऑल इज वेल है। अब वो वहाँ ऑल इज वेल है कि नहीं है तो उनका विषय है, लेकिन NDA में ऑल इज वेल है। और इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस चुकी है। कोई माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता के सामने, उनके नाम और काम के सामने कोई नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है, गांव गांव सर सर पहुंच रही है, देश से गरीबी मिट रही है, देश आत्मनिर्भर हो रहा है, देश में शांति है, देश में एकता और अखंडता की आवाज़ बुलंद हो रही है, संस्कृति और सनातन की जागृति है। तो आज कोई नहीं है नरेंद्र मोदी जी के सामने। RJD में JDU के विलय के सवाल पे मुख्यमंत्री ने कहा कि अंड वंड लोग बोलते हैं हमारी पार्टी कभी नहीं टूटने वाली है, तो क्या कहें? क्या करें हम? अब वो उनका विषय है, लेकिन RJD ने जो 15 साल तक इस देश में जंगल राज स्थापित की है, उस जंगल राज 3 जो अब स्थापित हुई है तेजस्वी और नीतीश जी के शासनकाल में, कि रोज यहाँ हत्या, अपहरण, डकैती, माँ बहनों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, रोज सैकड़ों जघन्य अपराध हो रहा है, और यह जंगल राज 3 स्थापित किए हैं नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के साथ मिलकर। आज RJD और नीतीश कुमार जी की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर कुर्सी की लोलुपता में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, और यहाँ अपराधियों को संरक्षण देकर पूरे बिहार में भय का वातावरण खड़ा कर चुके हैं। बैठक जो होनी है सर JDU की, लगता है कि क्या टूट हो जाएगी? लगातार नाराज, अब उनका विषय है, उस उनसे पूछिए। सांसद ने बोला कि ये फंडामेंटल मेरा वो अधिकार है मिमिक्री करना, हम माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने दोबारा से बहुत ही बड़ा आपत्तिजनक बात है, बहुत ही अपमानजनक है। एक देश के बड़े संवैधानिक पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस प्रकार से मजाक उड़ाना बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही घोरजनक आपत्तिजनक। सांसद महोदय बोल रहा है कि मेरा फंडामेंटल अधिकार है, क्या बोलेंगे? उनको पता ही नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है। अगर उनको समझ में बात होती तो ऐसा वो बोलते ही नहीं।